भैया पैन इंडिया फिल्में होती थी, अब तो पैन इंडिया लुंगी हो गई है। देखिए ऋषभ शेट्टी जब से मुंबई में प्रमोशंस के लिए आए थे अपनी कंटारा को लेकर, हर जगह बस एक आधा इंटरव्यू छोड़ दीजिए उसके अलावा भाई हर जगह लुंगी ही पहन के गए हैं। और भाई क्या ही सेक्सी लग रहे थे, और भाई पूरी की पूरी आप कंटारा फिल्म देख लीजिए क्या ही पहना उन्होंने। और इस चीज से इंस्पायर्ड हुए सलमान खान, और उन्होंने अपने हाल ही इंटरव्यू में इस बात का बताया भी है। देखिए किसी का भाई किसी का जान का फिल्म शूट चल रहा था, और वहीं पर सलमान खान सेट पर आते हैं ब्लैक कलर की लुंगी में, और भाई सही लग रहा है यार। बॉलीवुड में ना एक लुंगी को लेकर बहुत ज्यादा वो बनी हुई परसेप्शन, कोई फनी कैरेक्टर होगा तो वो पहनेगा, कोई बस साउथ इंडियन कैरेक्टर होगा तो वो पहनेगा, एक्टर तो भाई जींस पहनेंगे यार, एक्टर लुंगी वुंगी थोड़ी ना पहनेंगे। लेकिन गद्दारा में ऋषभ ने इतना इंस्पायर किया सलमान खान को कि सलमान खान ने किसी का भाई किसी का जान का जो क्लाइमेक्स एक्शन है वो लुंगी पहनकर किया है। सलमान खान ने खुद बताया है कि अर्लियर आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक बट द वे ऋषभ शेट्टी कैरिड एक्शन इन लुंगी मेरे को बहुत मजा आया, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरा जो एक्शन होगा लुंगी का स्वैग होगा वो ऋषभ से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि ऋषभ ने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें की हैं बट मैं लुंगी को बहुत मासी तरीके से कैरी करने वाला हूँ। तो भाई कहना ये है कुल मिलाकर बंदे ने बस फिल्म नहीं पूरा कनाडा का कल्चर ही लोगों को समझा दिया है कि साला ऐसे भी तो जिया जा सकता है, ये भी तो पहना जा सकता है। एंड दिस थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑन ऋषभ शेट्टी कि भाई ये होता है सिनेमा की ताकत, सामने वाले इंसान की दसो दिशा ही बदल दे। बाकी आपकी राय क्या है इस बारे में, क्या अब बॉलीवुड इन चीज़ों को भी ख़राब कर देगा एक्सेस में यूज कर करके, गलत तरीके से यूज कर करके, या फिर धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगा? जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूँ उसे, चल बाय बाय।